इतना चल के आए और ये कैफे बंद है। Hey guys, this is Ruchika. Welcome or welcome back to my channel. I hope you all guys are doing extremely well. And today I'm all set. मैं कैसे सेट हुई वो ये आप क्लिप देखो। So here I am in a corner sitting for doing my makeup. Actual makeup जो मैं रोज करती नहीं, मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा मिरर वहाँ पे। This concealer जो dark circles छुपाने के लिए लगाया जाता है। Although I don't apply it on everyday basis, आपको वीडियो में मेरे डार्क सर्कल्स दिखे जाते हैं और बाहर से मेरी माँ देख रही है कि आज ये लड़की इतना मेकअप क्यों लगा रही है। मम्मी डेट पे जा रही हूँ, मम्मी ने लुक दिया। Then take a blender and just blend. एंड मैं तो यही कंसीलर सजेस्ट करूंगी, इट इज प्रो कंसील, हुडा ब्यूटीज प्रो कंसील। मेरे को इतना बस है, अगर आपको इसकी और जरूरत पड़ती है तो यू कैन अप्लाई मोर, बट मेरे लिए दिस विच इज फाइन। एंड हाउ आई एम लुकिंग नियॉन, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई वोर अ नियॉन कलर। मैं नियॉन नहीं पहनती। ओके, सो डन विथ कंसीलिंग, नाउ जस्ट अप्लाई एनी मॉइस्चराइजर और समथिंग लाइक दैट। I am applying white tone screen. ये मैंने अभी अभी ली है, अभी अभी मतलब मैं राजस्थान में थी तब मैंने ली थी। तो I am applying it. ये कोई बीबी क्रीम वगैरह नहीं है, जस्ट नॉर्मल क्रीम। इसको तुम हाथ से भी लगा सकते हो एंड ब्लेंडर से भी, ब्लेंडर की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ही लाइट वेट है, नॉर्मल एक क्रीम जैसा है। सो देखो डन। उसके बाद नथिंग, लिप बाम। सोच रही थी आज आईलाइनर लगाने का। यूज लेस प्रोडक्ट्स बट यूज अच्छे प्रोडक्ट्स, ऐसा कुछ भी मत यूज किया करो अपने फेस पे। उसके बाद टेक लिपस्टिक, मैं न्यूड ले रही हूँ। सो डन विद माय मेकअप, दिस इज माय मेकअप। बट एक चीज बच गई, पाउडर के बिना रह नहीं सकती। चले क्या पाउडर, मैं फाउंडेशन वगैरह लगाऊंगी नहीं क्योंकि इतना भी बाहर नहीं जाना। आई जस्ट हैव टू गो ऑन अ डेट, तो डेट पे फाउंडेशन वगैरह लगा के जाना। इट्स रॉन्ग ना यार, असलियत दिखनी चाहिए लोगों को। कंसीलर ज़्यादा मतलब बहुत ही वो डार्क सर्कल्स मतलब छुपाने के लिए, ठीक है छुपाने मतलब ढकाने के लिए, छुपाना क्यों है, सबको होता है। दिस इज माई फाइनल टचअप। लोग कॉम्पैक्ट लगाते हैं, मैं नॉर्मल पाउडर लगाती हूँ। इसको थोड़ा मैट लुक देने के लिए लिपस्टिक पे भी। सॉरी आई कांट लुक इन द कैमरा बिकॉज मेरे को मेरी शक्ल भी देखनी है। सो या इतना ही करती हूँ मैं। जब आप मेरे को बोलते ना कि आपने मेकअप यूज किया है, मतलब आप जब मेरे को लिपस्टिक में ज़्यादा देख लेते, क्योंकि आप कभी मेरे को लिपस्टिक में देखते नहीं, तो आप बोलते कि दीदी आपने मेकअप यूज़ किया है, मेकअप मत यूज़ करो। मेरा उस टाइम भी यही मेकअप रहता है। उसके अलावा मैं फाउंडेशन वाउंडेशन तो रोज यूज़ नहीं करती, हाईलाइटर भी रोज यूज़ नहीं करती, लाइनर भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा मस्कारा लगा लूँ, ताकि थोड़ी जागी जागी दिखूँ मैं। नींबू पानी भी पी ली। तू भी एवरीडे बेसिस पे यू कैन यूज दिस, मतलब ऐसे मेकअप इतना इज ओके। अपने बॉयफ्रेंड को गलत फेवर में मत रखो कि सामने मेकअप थोप के, ताकि शादी हो तब वो शौक ही हो जाए। अब अपने बालों को बांध दो, और अगर मेरे जैसे बाल है तो कुछ नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा बाल लंबे तो वो पोनी टेल भी बहुत प्रॉब्लम देती है यार, बट ठीक है, आई एम ब्लेस्ड टू हैव लॉन्ग हेयर्स। सो अभी मैं इनको सेट कर दूंगी, देखती हूँ मेरे को क्या सूट करता है, एंड देन ऑल सेट फॉर अ डेट, जस्ट लाइक आई एम गोइंग ऑन अ डेट। With whom? Keep guessing it. You will know it. जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा। Sometimes I fall short of English words, and this happens because सच बोलूँ तो I like talking in English. I like Hindi also. Actually मुझको दोनों mix करके बात करना बहुत पसंद है। So yeah, you see me like this. देसी और विदेशी का mixture हूँ मैं। Let me just tie my hair and then we'll meet. तो आपने अभी क्लिप देखी होगी तो आपको समझ गया होगा कि मैंने क्या क्या फेस पे यूज़ किया है। सो यू कैन यूज इट ऑल्सो, और यू कैन सजेस्ट इट टू योर गर्लफ्रेंड और सिस्टर, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिपस्टिक लगाते हैं।
आई डोंट नो अगर लगाते हो तुम ठीक है लिपस्टिक नहीं लगाया उसने गोला खा रहा है गोला बेशर्म सो आई एम गोइंग ऑन अ डेट विथ हुम वो आपको आगे आगे समझेगा और तब तक कीप गेसिंग जीको देखो क्या लगता है अरे जीको तो क्या लगता है किसी से जा रही हूँ डेट पे गैस कर इतने पूरे दिन आ गए मैंने मैं तेरे साथ डेट पे जाऊँ मैं अपने समझा उसके साथ चल बाय बाय आई थिंक इट्स हाई टाइम कि मैं थोड़ी लड़कियों जैसे रहना स्टार्ट कर दूँ अपने पर्स में लिपस्टिक वगैरह रखना शुरू कर दूँ क्योंकि मैं नहीं रखती पता नहीं क्यों आई डोंट हैव दिस हैबिट मेरा ऐसे ही कि जितना भी रेडी हो ना एक बार रेडी होकर निकल लो चाहे टाइम लगे चलेगा बट बार बार नहीं मेरे पर्स में क्या कह रहे थे मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर ये कवर है मेरे फ़ोन का वन प्लस का जो इसके साथ आया था उसके बाद मैंने चेंज कर लिया और अभी मैंने जस्ट लिपस्टिक डाली है वरना मेरा बैग ऐसे ही खाली रहता है मैं इसको लेके निकल जाती हूँ वरना इसके अंदर स्कार्फ वगैरह रहता है जो मतलब मेरे को चाहिए रहता है वरना इसके अंदर कुछ भी मेकअप का सामान नहीं रहता बिकॉज मैं लगाती ही नहीं मतलब अगर इमरजेंसी में कुछ भी हो जाए तो साक्षी के पास कुछ भी नहीं रहता सिर्फ कुछ पैसे होते हैं उसके अलावा कुछ नहीं और अगर दुकानें ना हो तो आजू बाजू लड़कियाँ लिटरली पैड्स पिंस और सेफ्टी पिन लिपस्टिक क्या बोलते हैं उसको मिरर छोटे छोटे वो सब रखती है और मेरा बैग ऐसे स्कार्फ और क्या सैनिटाइजर भी नहीं रहता आजकल तो मेरे बैग में मम्मा इग्नोर चलो सो आई एम लीविंग मम्मा बाय आप पूछोगे नहीं मैं किसके साथ जा रही हूँ मैं डेट पे जा रही हूँ बाय द वे आपको क्या लग रहा है किसके साथ जाऊंगी मेरे को क्या पता तो आप वीडियो देखना तो आपको समझ जाएगा वैसे भी अभी तो सब कुछ वीडियो पे दिख ही जाते हैं निकल चल निकल सस्ते लाइट नहीं करनी पप्पी नहीं देगा ए नहीं 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 अरे बोलिया थोड़े प्लान में चेंजेस आ गए अब मैं किसके साथ जा रही हूँ वो आप गेस करो वैसे भी साक्षी का तो कुछ फिक्स रहता नहीं है सो नाउ आई एम लिविंग घर से बाहर एंड एक्चुअली हम लोग डेट पे ज़्यादा दूर नहीं जा रहे पास ही जा रहे बिकॉज मतलब मैंने उसको बोला कि नहीं मेरे को दूर नहीं जाना है भागशाला की इधर ही एक कैफ़े है योगीज कैफ़े करके उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं एंड मैं वहाँ पे गई नहीं हूँ एंड मेरे को जहाँ पे मैं नहीं गई वहाँ पे जाना बहुत पसंद है तो हम लोग वहीं जा रहे हैं मुझे जल्दी से घर पर आना और धूप इतनी ज़्यादा है ना बाहर कि ओ माई गॉड मेरी मम्मी इज लाइक तुमको जिधर भी जाना तुमको दोपहर को ही सोचता है बट मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठती नहीं शाम को मेरे क्लासेस होते हैं तो दोपहर के टाइम में जहाँ पे मैं बाहर जा सकती हूँ मास्क किसी पीएमसी वाले ने देख लिया तो अलग फाइन भरवा देंगे ये लोग आई एम ऑन माई वे चल के बिकॉज स्कूटी अजमन नहीं था अजमन नहीं मान रहा था कि स्कूटी लेके जाओ कहाँ पे सो क्यों रिस्क लेना ऊपर से लगी हुई है तो ये पेन करता है सो ऐसे ही जा रही हूँ मैं चल के इतनी धूप में मम्मी वॉज लाइक जाओ ऑटो लेके जाओ मैंने बोला नहीं ऑटो के पैसे आई विल सेव इट नाउ एट भागशाला धूप देख रहे हो बट कुछ नहीं मेरा वॉक भी हो रहा है सो या हम इतना चल के आए और ये कैफ़े बंद है फक इट इतनी धूप में वी आर गोइंग टू अनदर कैफ़े पहले हम सर्च कर रहे हैं कि कोई अच्छा कैफ़े दिख जाए सो अभी क्योंकि योगीज कैफ़े बंद है हम लोग रेड चिली में जा रहे हैं क्योंकि पास में यही एक कैफ़े है सो हाँ कुछ भी मेरा क्यों अच्छा नहीं होता कुछ भी फिक्स क्यों नहीं होता मेरा फाइनली वी आर इन रेड चिली गर्मी से यहाँ पे थोड़ी चैन मिला हमको हम लोग एसी वाले सेक्शन में आए हैं And you wanna see my date? He's very cute, but he's very tired क्योंकि इतना चलना पड़ा उसको धूप में. I will show him. Here is my date. ये बंदा मैच देख रहा है. ओए, ओए. He is busy in match. कैसे डेट को लेके आई हूँ मैं शी? मैं क्या करूं ओए मेरी डेट कैसा लग रहा है मेरे से डेट पे आके क्यों ये बांधा क्यों तूने अरे उसकी स्मेल नहीं आती पागल कौन है क्या चिकन है चिकन नेक पीस बस थोड़ा गंदा क्यों डब इधर
तो नॉनवेज खाता है ना? शुरू हो जा। आज का रीजन शुरू के साथ डेट प्लानिंग का ये है कि हम दोनों को ऐसे बाहर जाए खाए बहुत टाइम हो गया था। तो ही इज माई लव, तो मेरी चीज़ों को सही आना तो की ना कर दूँगी। मैं सब नॉन वेज खा रहे हैं, चीकू इज लाइक, तुम मेरे को यहाँ पे क्यों लेके आई है? शुरू हो जा चीकू। सौ करूं? गरम है? तू खुद काट? हाउस इट? अच्छा लगा देखो पानी। वो मुझे पता ही था, हम सब के बिना तो अपन रह ही नहीं सकते। बोल थम्स अप चाहिए ना? ये खत्म करो पहले, सिर्फ मंचूरियन नहीं खाना होता, इसको भी खत्म करना होता है। फटाफट ये भी खाओ। चलो अब शुरू हो जाओ। ऑब्वियसली क्या ये भी नहीं खाएगा? बहुत टेस्टी है ये, खा चल जल्दी। एक्सक्यूज मी, थम्स अप मेरा है, मेरा है थम्स अप। ये ऐसे खाया गया है, इसने मंचूरियन ऐसे खाया है और शेजवान नूडल्स हमको पैक करना पड़ा कि इसे खाया नहीं जा रहा था। ये बहुत कम खाता है। सो हाँ, लेट्स मीट एट होम। ये पकड़ जाओ। बाय बाय। अभी है हम रेड चिली के बाहर। कटा लो। अभी किधर जाना है तुझे? आई तेरी सारी ख्वाहिश पूरी होगी। बोल कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? बोल किधर भी नहीं। अभी चुपचाप क्लास में बैठना है पढ़ाई करने। किधर भी नहीं, मैं लेके भी नहीं जाने वाली किधर तुझे। चलो अब डायरेक्ट मिलते हैं घर पे। जस्ट बैक एट होम एंड चेंज टू माई घर के कपड़े, बिकॉज इतना गर्म हो रहा था मैन, इतना गर्म हो रहा था ना। अभी रिलैक्स लग रहा है शॉर्ट्स में और टी शर्ट में। अभी मैं जा रही हूँ सोने, आई नीड अ स्लीप, बहुत सारा पानी पी के। ये बहुत गर्मी है डूड, पानी बहुत ज़्यादा पियो वरना गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, चक्कर आगे गिर जाओगे, इसलिए ड्रिंक मोर वाटर। So that's all for today's video. If you like this video, please like, comment, and share, and also subscribe to my channel for more such videos. Till then, take care of yourself, your families, your boyfriend, girlfriend, and everyone who you love and who loves you. Milte hain next video mein. Bye bye. See ya. Also, jo next video aane wala hai usse aap log bahut sare jo relate karne wale ho. So stay tuned.